नमस्ते डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीरीज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट को। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमें सीरीज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, इसे डिस्कस करना है। ओके, इसके पहले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंस और कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस, साथ ही साथ द ऑपरेटर जे, इसको डिस्कस किया है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, हम लोग चाहें तो ये जो टॉपिक लिए हैं सीरीज रेजोनेंट इन एलसीआर सर्किट, इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ओके, तो आज के इस वीडियो में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहले तो समझेंगे कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट है क्या, उसके डायग्राम को देखेंगे, फिर टोटल इम्पीडेंस निकालेंगे। ओके, और फिर टोटल इम्पीडेंस निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन लिखेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, और फ्रीक्वेंसी अदर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एक्सप्रेशंस को लिखेंगे इम्पीडेंस का। ठीक है, और यहीं पर हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का भी एक छोटा सा एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग तीन केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अगर मान लीजिए जो करंट हमें मिल रहा है, अगर वो अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो क्या होगा। अगर करंट का फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो क्या होगा। अगर करंट का फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से इक्वल होगा तब क्या होगा। इन केसेस को डिस्कस करेंगे, और इन्हीं डिस्कशंस के बीच प्यारे व्यूअर्स हमें मिलेगा एक पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट मिलेगा कि जो इम्पीडेंस होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर वो काफ़ी लो होगा, इसकी वजह से जो करंट होगा इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर वो मैक्सिमम होगा। इसलिए हम लोग जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है उसको कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट। ओके, और इसका एक प्रॉपर आंसर भी देखेंगे, लिखा हुआ है, लिख करके रखें। इसके बाद प्यारे व्यूअर्स हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे वोल्टेज इन एसआरसी, मतलब है कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट में जो वोल्टेज है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे इसी में हमें क्यू फैक्टर भी मिलेगा, क्योंकि जो अपना सीरीज रेजोनेंट सर्किट है ना, ये वोल्टेज मैग्नीफायर की तरह काम करता है। ओके, वोल्टेज को क्यू टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं इसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आखिरकार सीरीज रेजोनेंट सर्किट है क्या। देखिए, एक्चुअली में जैसे यहाँ पर एक सर्किट हम लोग लिए हैं, इस सर्किट में आप देख रहे हैं एक रेजिस्टेंस है, हम लोगों ने एक इंडक्टर लिया है, चलिए इसके इंडक्टेंस को L ले लेते हैं, साथ ही साथ एक कैपेसिटर है, इसके कैपेसिटेंस को C ले लेते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, इस तरह का जो सर्किट होता है इसे हम लोग कहते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट या सीरीज ट्यून्ड सर्किट। ओके, जैसे यहाँ लिखे हैं हम लोग, व्हेन द रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल एंड कैपेसिटेंस सी आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ पावर सोर्स या विथ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, द सर्किट इज नोन एज सीरीज रेजोनेंट सर्किट और सीरीज ट्यून्ड सर्किट। ओके, देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है इसमें रेजोनेंस का फिनोमेना ना, ये दो एलिमेंट्स के कारण होता है। ये जो इंडक्टर है, ये जो कैपेसिटर है, ये दो क्या है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है। इसके कारण जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजोनेंस का फिनोमेनन अक्कर करता है, और इसका हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पर, टीवी रिसीवर्स में, रेडियो रिसीवर्स में। ओके, तो चलिए थिंग्स को स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ आप समझ गए, जो हमारा सीरीज रेजोनेंट सर्किट है उसके डायग्राम को भी यहाँ पर आप देख लिए। ओके, अगर यहाँ पर एलिमेंट्स पैरेलली कनेक्टेड होता है तो ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट कहलाता, या पैरेलल रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट कहलाता। ओके, अब बात आती है इसके टोटल इम्पीडेंस की। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर देखिएगा, अगर आप इस सर्किट का इम्पीडेंस लिखते हो तो वो आपको मिलेगा जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस जे बाई ओमेगा सी। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आर प्लस जे ब्रैकेट ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी, कुछ इस प्रकार से। ये जो हमें मिल रहा है ये क्या है, इम्पीडेंस ऑफ दिस सीरीज रेजोनेंट सर्किट, या ऐसा कह सकते हो कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस ऑफ दिस सीरीज रेजोनेंट सर्किट, दैट इज जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। देखिए एक्चुअली में ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स है सर्किट का, ये जो सर्किट है इस सर्किट में कुछ रिएक्टिव कंपोनेंट्स है। ये जो इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये सब रिएक्टिव कंपोनेंट्स है। ठीक है ना। इसमें जो ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स है इसका जो रिएक्टेंस होता है इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, ये एक दूसरे से इक्वल होता है और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, इसकी वजह से यहाँ पर जो ये सर्किट है ना, ये प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव करेगा। आइए इसको देखते हुए एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओके, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी the reactive component of the circuit is 0। ओके, जो रिएक्टिव कंपोनेंट है इस सर्किट का, इस सीरीज रेजोनेंट सर्किट का, वो 0 होगा। अर्थात यहाँ पर ये जो ओमेगा एल है माइनस 1/ओमेगा सी है, ये 0 से इक्वल होगा। कहने का अर्थ ये है कि ये जो दो रिएक्टेंसेस है ना, रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर और रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटेंस, ओके, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होगा। इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, समझ पा रहे इस चीज़ को? यहाँ पे देखिएगा। सो आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा² इज इक्वल टू 1/LC और ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर ये जो ओमेगा है ना, ये तो हम लोग चाहें तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से 2πf0। ओके, और यहाँ जो f0 है ये क्या है? ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कोई मतलब कह सकते हो कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इज इक्वल टू 1/√LC। दिस इम्प्लाइज f0 इज इक्वल टू 1/2π√LC। देखिए यहाँ पे ये जो आपको मिल रहा है f0 इज इक्वल टू 1/2π√LC, ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर देखते चलिएगा प्यारे व्यूअर्स। अच्छा, ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है f0 इज इक्वल टू 1/2π√LC। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इसको देख करके प्यारे व्यूअर्स, इस एक्सप्रेशन को देख करके हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस है ना, ये जो रेजोनेंस का फिनोमिनन है, ये एक्चुअली में जो आपका इंडक्टर है और जो कैपेसिटर है, क्योंकि यहाँ पे एल और सी है, इस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, इस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये है कि आप इंडक्टर और कैपेसिटर की मदद से क्या कर सकते हैं? रेजोनेंस को अचीव कर सकते हैं, इसको अल्टर करके। समझ रहे हैं? क्योंकि जैसे कोई रेडियो रिसीवर्स वगैरह होता है तो वहाँ पर हमें अगर कोई फ्रीक्वेंसी ट्यून करना होता है, ओके, तो क्या होता है वहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं? कुछ चेंजेस करते हैं। ओके, इसको वेरी करते हैं है ना, जिससे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है चेंज होता है सर्किट का। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा। नाउ यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला था ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू 0 है ना। नाउ ऑन पुटिंग ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इसे जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए हमें क्या मिलेगा है ना। हमें मिलेगा z इज इक्वल टू R + j 0, कुछ ऐसा मिलेगा। इट मीन्स है कि जो z मिल रहा है वो हमें r मिल रहा है ना। कहने का मतलब यह है प्यारे व्यूअर्स कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओके, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इम्पीडेंस ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज इक्वल टू आर है ना। ये आर से इक्वल है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड भी देखते हो तो मैग्नीट्यूड कैसे पता करोगे? मॉड जेड से, जो आपका यहाँ पे आर से इक्वल है ना, आर से इक्वल हो रहा है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो इम्पीडेंस है सीरीज रेजोनेंट सर्किट का, वो आर से इक्वल है। इस केस में जो आपका सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव कर रहा है ना, मतलब प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, प्योरली रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर ये दो जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स है ये दोनों तो जीरो हो गया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, बचा कौन? रेजिस्टेंस। सो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट बिहेव्स एज प्योरली रेजिस्टिव। सो यहाँ पे लिख देते हैं कि हैंस सीरीज रेजोनेंट सर्किट बिहेव्स एज प्योरली रेजिस्टिव। ओके, प्योरली रेजिस्टिव। ओके, ये बात हुआ कब का? एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। बट अब बात करते हैं फॉर फ्रीक्वेंसीज ओके, फॉर फ्रीक्वेंसीज अदर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, अदर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अदर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो आपका इम्पीडेंस होगा वो आपका इसी से इक्वल होगा, जो इक्वेशन नंबर 1 है इससे इक्वल होगा, ठीक है। Z इज इक्वल टू R+j ωL - 1/ωc से इक्वल होगा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखते हो तो मॉड Z इज इक्वल टू √R² प्लस ब्रैकेट में ले लो ωL - 1/ωc पर स्क्वायर। ये आपका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड होगा किसका? इम्पीडेंस का। एट इम्पीडेंस होगा एट फ्रीक्वेंसीज अदर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं? तो देखिए अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? अभी तक हम लोग प्यारे व्यूअर्स ये देख लिए, तो इम्पीडेंस पता कर लिए, हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक एक्सप्रेशन मिल गया, साथ ही साथ हम लोग एक्सप्रेशन देखे इम्पीडेंस का एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फिर हम लोग एक्सप्रेशन देखे आपका इम्पीडेंस का फ्रीक्वेंसीज अदर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पर है। ओके, अब मेरे प्यारे व्यूअर्स यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी होगी। यहाँ पर देखिए हम लोग को यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओके, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर अगर आप देखो तो इम्पीडेंस केवल R से इक्वल है, मतलब यहाँ पर जो मेन रिएक्टिव कंपोनेंट्स है वो ही आपका क्या है, एक दूसरे से इक्वल है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर ले रहा है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा प्यारे व्यूअर्स? एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ओके, इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट करंट नहीं, ऐसे लिखना चाहिए, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट the impedance is low and ऐसा कह सकते हैं, and the corresponding current is maximum, ठीक है। चूँकि यहाँ पर इम्पीडेंस क्या हो रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर? केवल R से इक्वल हो रहा है ना, रिएक्टिव कंपोनेंट जीरो है, तो इसके कारण जो इम्पीडेंस होगा आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर सीरीज रेजोनेंट सर्किट में वो लो होगा, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट होगा सर्किट में वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ओके, करंट क्या होगा सर्किट में? मैक्सिमम होगा। इसके वजह से है ना, हैंस दिस इज वाई सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट। ओके, इसी के कारण सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो है प्यारे व्यूअर्स वो एक्सेप्टर सर्किट कहलाता है, क्योंकि जो भी करंट की फ्रीक्वेंसीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर होती हैं उसको सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या करती है? लो इम्पीडेंस प्रोवाइड करवाती है। ओके, ताकि उसके लिए एक ईजियर पाथ मिल सके, है ना। लो इम्पीडेंस होगा तभी तो करंट मैक्सिमम होगा। ओके, इसलिए जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है उसको एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। इसका एक प्रॉपर सा आंसर है जो हम लोग यहाँ पर बना के रखे हैं, एक्सेप्टर सर्किट। यहाँ देखिएगा, द सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज ऑफन कॉल्ड एन एक्सेप्टर सर्किट बाय ऑफरिंग मिनिमम इम्पीडेंस टू करेंट्स एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वैसे करंट जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर है या इसके आसपास भी है, तो जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है वो क्या करती है, उसको लो इम्पीडेंस प्रोवाइड करवाती है ताकि उसको एक ईजियर पाथ मिले और वो आसानी से फ्लो कर सके। ठीक है, बाय ऑफरिंग मिनिमम इम्पीडेंस टू करेंट्स एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इट इज एबल टू सेलेक्ट ओके और एक्सेप्ट मोस्ट रिडली द करेंट ऑफ दिस वन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम among those of many frequencies। ओके, जैसे आप रेडियो रिसीवर्स में देखते हैं ढेर सारा आपको रेडियो रिसीवर्स मिलता है, लेकिन आप किसी एक फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं और वो फ्रीक्वेंसी आपको मिलता है ना। ओके, तो जो आपका सर्किट है वो क्या कर रही है, वो एक मिनिमम इम्पीडेंस प्रोवाइड करवा रही है जो फ्रीक्वेंसी आपने चुना है ना। जो भी फ्रीक्वेंसी आपने चुना है वो क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना, ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो ये एक प्रॉपर आंसर है कि वायर एक्सेप्ट सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे यहाँ तक का, है ना। यहाँ तक का होप आप थिंग्स को ग्रैब कर पाए होंगे। ओके, अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अब चलते हैं कहाँ पर, इस पर, वोल्टेज इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट। वोल्टेज इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ओके, यहाँ लिखे हम लोग कि इफ ए वोल्टेज ई इज अप्लाइड टू अ सीरीज सर्किट एट इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज VC और अक्रॉस द इंडक्टर इज VL। द टोटल करंट I नॉट एट रेजोनेंस इज गिवन बाई I नॉट इज इक्वल टू E बाई R। ठीक है, बेसिकली देखिए यहाँ पे रेजोनेंस पर करंट की बात की गई है, और चूंकि जो रेजोनेंस है वहाँ पर जो टोटल इम्पीडेंस है वो आपका R से इक्वल है। अगर आप करंट पता करोगे तो वो क्या होता है, वोल्टेज बाई R, है ना। और वोल्टेज की यहाँ पे हम लोग E लेके चल सकते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट का, E इज इक्वल टू E नॉट लिए थे हम लोग, तो E बाई R। और चूंकि यहाँ पर जो आपका इम्पीडेंस है रेजोनेंस पर या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि रेजोनेंस एक फिनोमेनन है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर अक्कर करता है। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो आपका इम्पीडेंस है वो R से इक्वल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे R ले रहे हैं। ठीक है, ओके, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, द टोटल करंट एट रेजोनेंस इज गिवन बाई I नॉट इज इक्वल टू E बाई R। तो जो वोल्टेज होगा अक्रॉस कैपेसिटर अक्रॉस इंडक्टर वो हम लोग पता करेंगे, है ना। इससे हमें एक और कैरेक्टरिस्टिक पता चलेगा सीरीज रेजोनेंट सर्किट का, कि जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है ये वोल्टेज को मैग्नीफाई भी करती है। यहाँ पर देखिएगा, हम लोग पता करते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज गिवन एस VL इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, वोल्टेज I नॉट इंटू रजिस्टेंस होगा, तो I नॉट इंटू वोल्टेज के द्वारा ये जो एक, माफ़ कीजिएगा, ये जो इंडक्टर है इसके द्वारा जो रिएक्टेंस प्रोवाइड करवाया जाता है वो कितना होता है आपका, ओमेगा L होता है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे चूँकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का बात कर रहे हैं तो हम लोग एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट को लेकर के चलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिएगा, एक ओके, चूँकि I नॉट आपका E बाई R से इक्वल है तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा नॉट L, और इसे आप लिख दो E इंटू ओमेगा नॉट L बाई R, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और दिस कैन बी रिटन एज E इंटू VL इज इक्वल टू E इंटू Q। ओके, E इंटू Q where Q is quality factor, okay, where Q is quality factor। ठीक है, ये आपका वोल्टेज मिला किसके क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस। उसी प्रकार से वोल्टेज पता करते हैं कैपेसिटर के क्रॉस, वो क्या होगा, I नॉट इंटू 1 बाई ओमेगा C हो जाएगा। ठीक है, और है ना, ओमेगा C हम लोग ले रहे हैं तो इसको ओमेगा नॉट C भी लेके चल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब चूंकि 1 बाई ओमेगा नॉट C जो है ओमेगा नॉट L से इक्वल होगा, हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ना, करंट जो हम लोग लिए हैं वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर लिए हैं। ओके, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं और हम लोगों ने अभी देखा कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये दो जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से इक्वल होते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आई नॉट इंटू 1/ω0 C के जगह पर ω0L पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आई आपका क्या है, E/R से इक्वल है इंटू ω0L। सो यहाँ पे आपको होगा VC इज इक्वल टू E इंटू ω0L/R आपको हो जाएगा। ठीक है, सो आप इसको क्या कर दीजिए, फिर से जो आपका ये जो टर्म है ω0L/R, ओके, इसको आप Q पुट कर दीजिए, E इंटू Q। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए आपको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मिल रहा है E इंटू Q, वेयर Q इज इक्वल टू ω0L/R, है ना, इज क्वालिटी फैक्टर। अगर आप गौर से यहाँ पर ये दो एक्सप्रेशंस को देखो VL और VC का, तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों ही केस में आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया था वो कितना था, E, लेकिन वोल्टेज जो हमें मिल रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस और इंडक्टर के अक्रॉस, वो Q टाइम्स बढ़ गया है, Q टाइम्स मैग्नीफाई हो गया है। ओके, ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, जो वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टर अक्रॉस कैपेसिटर वो Q टाइम्स हो गया है वोल्टेज जो आप अप्लाई किए हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है ये एक प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है वोल्टेज को मैग्नीफाई करने का, है ना, एक वोल्टेज मैग्नीफिकेशन का एक कैरेक्टर भी सीरीज रेजोनेंट सर्किट के पास है। सो सीरीज रेजोनेंट सर्किट exhibits a voltage magnification, okay, a voltage magnification of Q, okay, known as quality factor, okay, इसे हम लोग कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। ऐसे हम लोग क्वालिटी फैक्टर पर आगे जो वीडियोस लेंगे, सेलेक्टिविटी इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट, जहाँ पर हम लोग बैंड डिवाइडेड और भी कई चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, वहाँ पर जो है हमें क्वालिटी फैक्टर के बारे में और भी चीज़ें जानने को मिलेंगी। सो देखिए, हमें एक और कैरेक्टरिस्टिक पता चला सीरीज रेजोनेंट सर्किट का कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो है ये वोल्टेज को मैग्नीफाई भी करती है। हम लोगों ने जो वोल्टेज अप्लाई किया था वो E था, लेकिन है ना, जो हमें वोल्टेज मिल रहा है इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस वो तो Q टाइम से बढ़ गया है, है ना, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है मैग्नीफाई भी किया जा रहा है सीरीज रेजोनेंट सर्किट के द्वारा। हम लोगों ने लगभग चीज़ें यहाँ पर देख ली, हमारे पास बचा क्या, ये एक टॉपिक बचा है। ओके, इसे एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए सबसे पहला जो केस हम लोग यहाँ पर लिए हैं वो ये है कि एट F F0। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए जो करंट आपने लिया है उसका फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका सर्किट है ना, उसमें जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, मतलब कैपेसिटर के कारण जो रिएक्टेंस है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, जो इंडक्टर के कारण होगा, मतलब 1/ω C जो है ये ग्रेटर होगा ω L से। ओके, इसकी वजह से इस सर्किट का जो टोटल रिएक्टेंस होगा वो कैपेसिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो इस केस में आपका जो टोटल इम्पिडेंस होगा वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से इक्वल होगा। ठीक है, एट F F0 द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज लार्ज एज कम्पेयर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इज 1/ω C ग्रेटर देन ω L एंड द टोटल रिएक्टेंस इज कैपेसिटिव। सेकेंड केस हम लोग लिए हैं कि एट F F0। कहने का अर्थ यह है कि जब आपका फ्रीक्वेंसी जो है करंट का वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगा, तब क्या होगा इस केस में प्यारे व्यूअर्स, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, मतलब इंडक्टर के कारण जो रिएक्टेंस होगा वो कैपेसिटर के कारण जो रिएक्टेंस होगा उससे ज़्यादा होगा, है ना। द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज लार्ज एज कम्पेयर टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब ω L ग्रेटर है किससे, 1/ω C से, तो इस सर्किट का जो टोटल इम्पिडेंस होगा वो इंडक्टिव हो जाएगा। ओके, और जब आपका फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से इक्वल होगा, तो ये केस तो हम लोग डिस्कस किए ही, इस केस में जो आपका इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस से ये एक दूसरे से इक्वल होगा, है ना, और ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसकी वजह से सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा। तो ये तीनों ही आपने फ्रीक्वेंसी का जो केसेस है इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। देखिए क्वालिटी फैक्टर को हम लोगों ने उतना डिस्कस नहीं किया है इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो गया है और हम लोग को बेसिकली ये टॉपिक देखना था कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट में वोल्टेज मैग्नीफिकेशन का एक कैरेक्टर है, ठीक है ना, वोल्टेज मैग्नीफाई भी करता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।